अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम, लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान और आज ये लग रही हैं 90s की न्यूज़कास्टर है ना। हाँ। मुझे भी लग रहा है, मेरी कुछ पिक्चर्स बनी तो मैंने कहा ऐसी न्यूज़कास्टर्स होती थी और हमने उनको ना कभी उनकी बॉडी नहीं देखी होती थी, बस इतना देखा होता था सालों साल। एक बार मैंने देख ली ना बाजार में न्यूज़कास्टर, मैं कहा ये चल भी सकती है। मैं अम्मी को बताया, मैंने अम्मी की ये वॉक कर रही है, मैं तो पता भी नहीं था क्योंकि सारी जिंदगी इतना सा देखा था बस। और उस वक्त जो है बड़ा वो फॉर्मल सा होता था एक न्यूज़कास्टर का इमेज जो है, वो ना हंसना है बिल्कुल इस तरह कड़क, ना लैशेस लगी होती थी, ना उनके बालों में एक्सटेंशन। अब तो लगता है कि जैसे बिल्कुल परफेक्ट कोई डॉल बैठी हुई है ना, बालों की एक्सटेंशन। कॉन्वर्सेशन स्टाइल नहीं होता था ना वो, अब तो वो होता है कि आप हर तरह से बात कर सकते हैं, स्माइल भी कर लेते हैं या थोड़ा सा कोई एक्सप्रेशन भी दे देते हैं, लेकिन पहले बहुत जबरदस्त। आई थिंक न्यूज़ वाला स्टाइल मुझे पहले का ज्यादा पसंद, बहुत अच्छी न्यूज़ वो था। लेकिन जो अभी भी जो प्रॉपर न्यूज़ पढ़ते हैं वो अभी भी सीरियस उसमें ही होते हैं, लेकिन टॉक शोज और वो जो पॉलिटिकल शोज ये जो आए हैं ना, इनसे थोड़ा सा ये हुआ कि कॉन्वर्सेशन स्टाइल अच्छा, उनको भी अब सबर आ गया। वो भी अब थोड़े से टोन डाउन कर गए, जो फीमेल या मेल एंकर्स बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते थे। एनीवेज, आपको हमारा शो बहुत अच्छा लग रहा है और आप कह रहे हैं हमारे फड्डे भी आपको अच्छे लग रहे हैं। फड्डे, हु इज डूइंग फड्डा हेयर? आना आप अपनी लिंगो ठीक करें, ये फड्डे नहीं होते, ये नोक झोंक होती है ना। नोक झोंक होती है, लेकिन तुम हमेशा स्टार्ट तुम करते हो। मैं करती हूं? अच्छा, तुम करते हो? नहीं, मैं क्या, मैं तो खामोश बैठा रहता। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमेशा फड्डे तुम करते हो। मैं तो कुछ बोलने लगता हूं तुम मुझे खौफनाक सवाल कौन पूछ रहा है मेहमानों से, मेरे इतने मासूम से क्यूट से सवाल होते तुम पूछ रहे हो? मैं ऐसे सवाल वैसे हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में? ऐसे हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम नहीं लड़ते, हमारी नोकझोंक होती है, वैसे थोड़ा सा मजा आता है एक दूसरे से। बेजरर। अच्छा पता है, वैसे फड्डों में या लड़ाइयों की बात करें तो वो भी हमारी एक नेशनल स्पोर्ट है। हम लड़ने में और फड्डों में माहिर हैं। मुझे चार पांच किस्म के होते हैं ना फड्डे। एक क्लासिक फाइटर्स होते हैं जैसे सास बहू, और जैसे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट एक जमाने में स्टूडेंट यूनियंस होती थी, तो वो फड्डे ये क्लासिक्स में आते हैं, ये हर दौर में चलते रहे। कभी तुमने वो नहीं सुना होगा कि सुसर और दामाद का फड्डा, कभी सुना? रेयर रेयर रेयर, कम हो नहीं हो सकता ना, वो तो चिल होते हैं। मुझे लगता है कि ख्वातीन जो है ना उनको, तुम ये इसका मुझे ज़्यादा बताओगी कि वो कोई एक साइकी होती है या कुछ उनको एनर्जी मिलती है? मैं तो सच बोलूंगी, इस दुनिया में हुस्न औरतों से है, लेकिन बहुत सारे फड्डे भी औरतों की ही वजह से हैं। और साइंस ये कहती है कि जब आदमी लड़ते हैं ना तो उनको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स उनके रिलीज होते हैं। जब औरतें फड्डा करती हैं, लड़ती हैं, तो पहले तो उनमें होती है एक्साइटमेंट, उसके बाद डोपामीन खुशी, और उसके बाद एक तसल्ली का और जीतने का एहसास। हमारे लिए इसलिए फड्डे बड़े जरूरी है क्योंकि वी फील गुड। ये तुम्हें भी इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं? औरतों की बिल्कुल अलग फीलिंग हो रही होती है फड्डे के टाइम पे, इसलिए वो आदमी से भी कहती है आप जाए ना, और आदमी अवॉइड कर रहे होते हैं, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन मुझे पता है, जान मेरे पास आया उस दिन, कह रहा है मैंने यूट्यूब चैनल मम्मी खोलना है, मैंने और मेरे चार फ्रेंड्स ने। मैंने कहा ठीक है बेटा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, क्या होगा मतलब कोई रिसर्च साइंस क्या करोगे? कहते मम्मी बड़ा अच्छा हमारा चैनल, उसका नाम होगा कराची के फड्डे। वो उस पे फिर शूट करेंगे जाके, जैसे रोड के ऊपर, रोड रेज एक बड़ा ऐसी चीज़ है जो हर दौर में रही है कि आप भाई, मैं सबसे बड़ी बात ही होती है जब आपस में ट्रैफिक में कोई फड्डा हो जाए, कोई निकल के बाहर आ जाते हैं दो लोग, तो उसको वो आगे वाला दूसरे को बोलता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ईगो बड़ी खतरनाक होती है बहुत सारे लोगों की, वो पीछे कुछ भी ना हो तुम जानते नहीं, वो कहता कौन हो भाई, तो वो कहता मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो यहाँ एक ये बड़ा मसला है। दूसरा, छोटी छोटी बातें जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं होती। अगर आप देखें फड्डा इतना बड़ा है और अंदर से बात इतनी सी निकलती है, मेरे घर के दरवाजे के साइड, मतलब जो आपके पार्किंग एरिया होते हैं, किसी के घर के बाहर गाड़ी लगा दो, तो कई दफ़ा हम शूट पे जाते हैं तो इतनी बड़ी स्पेस होती है, हम वहाँ पार्क कर दें तो वो सामने से गाड़ी, जब बिल्कुल आप उतर रहे हो सब सामान लेके, तब आता है सर ये गाड़ी यहाँ नहीं लगी, क्यों भाई हमारी गाड़ी आनी है। अरे भाई जब आएगी तो हटा देंगे, नहीं वो साहब ने बोला है। वो कहते ना ये हटाए यहाँ मैडम की गाड़ी आनी है, मैंने कहा मैं क्या सर लगती हूँ तुम्हें, मैं मैडम नहीं हूँ, आदमी हूँ मैं। बात बढ़ती क्यों है, ये भी सोचने की हमें जरूरत है कि बात बढ़ क्यों जाती है। मुझे लगता है कि कोई एकदम से गुस्सा हो जाता है, तो एक बंदा का अगर काम है तो फिर उससे भी गुस्सा आ जाता है कि यार मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ,
ये क्यों बदतमीजी कर रहा है, तो वहां से फिर आर्ग्यूमेंट डेवलप होना शुरू होता है। अच्छा पता है 80s, 90s, 70s में क्या होता था कि अगर औरत को गुस्सा चढ़े कोई बात ना तो आदमी रिएक्ट नहीं करते थे। मैंने ये देखा, वो कहते थे लेडी आ चले, लेडीज आप चली जाए, औरत एक हो या छह कहते लेडीज ही है याद रखिएगा, तो लेडीज है आप जो है ना आप ठीक है, कोई कहते थे औरतों की मुंह नहीं लगना, बात नहीं करनी, जवाब नहीं देना। अब क्या हो गया कि बहुत सारे आदमी टक्कर पे आ गए, अब वो कहते हैं कि अब हम बस की अगली सीट आपको नहीं देंगे। हाँ, तो ये अब वो थोड़ा ना आदमियों ने रिगार्ड औरतों का वैसे से कहते हैं इक्वल राइट्स, लेकिन अभी भी मुझे लगता है हमारे मुल्क में औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है। कहीं आप कोई ऐसी रश वाली जगह हो, लाइन लगी हो, तो वो औरतों को कहते हैं कि यार ये बेचारी अब काम पता नहीं लास्ट टाइम कब गया था बस स्टेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है अब, ये कम बहुत कम हो गया। आप किसी गवर्नमेंट इदारे में ना 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 नहीं, अब ऐसा एयरपोर्ट पे भी नहीं होता, अब कहीं नहीं होता। अब आदमी कहते हैं औरतों को लाइन में लगी है, ईमान से उस दिन क्या हुआ, मैं लाइन में फंस गई, मैंने कहा मेरी फ्लाइट तो गई, मैं बोल रही हूँ भाई मेरी फ्लाइट है, मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ, मेरी लाइन है। जी नहीं लाइन में रहे, मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा यार अब क्या करूँ क्या करूँ, मैंने क्या चलाकी की, मैं कहा फ्लाइट तो मेरी मिस है, थी भी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसमें मैंने क्या किया कि मैं चलाकी की, अल्लाह माफ करे, क्या मैं बोला जैसे मेरे हस्बैंड आगे पड़े हैं, मैं कहा आ रही हूँ हाय हटे, वो हस्बैंड मेरे आगे खड़े, आ रही हूँ अरे आ रही हूँ ना, ऐसी मैंने एक्टिंग की, मुझे उस पे रास्ता दिया उन्होंने कि हस्बैंड आगे खड़े होंगे, और करते 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 मैं निकल गई। देखो ना ये तो तुमने बहुत सारे लोगों को ना एक औरतों को बल्कि एक नई लाइन दे दी कि इस तरह करें, तो आप बर्दाश्त करें, फेमिनिज्म पे बात होती रहती है हमेशा, तो ये देखिए इक्वल राइट्स जो हमें महंगे पड़ गए, ये है सारी कहानी। तो अब मुझे अब हम क्या, हम अपने गेस्ट पढ़े, बिल्कुल गेस्ट का बताएं, ये तो खैर आज थोड़ा सा ग्रीन थॉट भी था जिसपे मेरे ख्याल थोड़ा सा थॉट देना चाहिए, उनसे भी बात करेंगे, हम झगड़े क्यों करते हैं, पड्डे क्यों करते हैं, बात बढ़ाई नहीं, बात बढ़ने से बात बिगड़ती है। बड़े कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, और आजकल बड़े ही बातें बढ़ा देते हैं कभी कभी, तो मेरे ख्याल वो भी भूल गए, माहौल कुछ ऐसा हो गया, एनवायरमेंट इज टॉक्सिक, तो इसलिए आज हम गेस्ट को बुला लेंगे अपने, और उनसे भी हम इस टॉपिक पर जरूर बात करेंगे। सेलिब्रिटी कपल, अच्छा, और ये वो टाइम इनकी जब शादी हुई, नई शादी नहीं हुई इनकी, अच्छा। शादी को माशाल्लाह काफी साल हो गए, बड़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल मैरिज, और ये सेलिब्रिटी मैरिज उस दौर की है जो कि पहले बहुत आपस में सेलिब्रिटीज की शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती थी, दो चार उस जमाने के कपल्स थे जो कि बड़े मशहूर थे कि भाई इन्होंने आपस में शादी की, तो ये वन ऑफ दोस कपल्स जो कि माशाल्लाह बड़ा लंबा जोड़ी, साथ गुड लुक्स, टैलेंट, खूबसूरत जोड़ी, और बड़ा काम किया दोनों ने हर तरह का, कॉमेडी सीरियस, मेरे ख्याल में फिल्म भी की हुई है, वो इनसे पूछेंगे, तो बहुत जो वर्क प्रोफाइल है ना वो बहुत बड़ा है। लेटेस्ट घर में ये चल रहा है कि माशाल्लाह चार वकील हैं और एक हमारी जो सेलिब्रिटी है, मियां उनके वकील, दो बेटे वकील, बहु वकील, तो जज घर में कौन है ये इनसे पूछेंगे। और इसके अलावा ये भी कि बीच में थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक भी लिया, लेकिन अब वापस नजर आ रहे हैं, बड़े हैंडसम खूबसूरत इंसान, और जो भाभी है हमारी वो भी माशाल्लाह। पीछे एजिंग बैकवर्ड्स इनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहे हमारा स्पेशल ईद शो, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, लाइफ ग्रीन है, और हमारे साथ हमारे खूबसूरत खूबसूरत तरीन गेस्ट बैठे हैं, सेलिब्रिटी कपल, देखकर खुशी होती है आप लोगों को, माशाल्लाह इतने ग्रेसफुल, इतनी हसीन, कैसर निजामानी, फजीला काजी, ये थैंक यू। तो फजीला कैसर क्यों नहीं? तो फजीला देखिए इस्लाम में भी अगर आप बात करें, रमजान का महीना है, तो मैं और एक हमेशा बताती भी रहती हूँ लोगों को कि मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दीन में कि आप अपना शादी के बाद नाम चेंज कर लें, ये हम क्योंकि बरेसगीर में जब हम रहते थे, फिर हम वहाँ से जब यहाँ आए पार्टीशन के बाद, तो हम कुछ वहाँ का कल्चर ले आए, तो ये कल्चरल चीज़ है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑन द लाइटर नोट मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मेरे अब्बा थोड़ी चेंज हो गए शादी के बाद, तो हस्बैंड ठीक है वो हैं, उनका नाम शनाख्ती कार्ड में हस्बैंड के खाने में लिखा है, लेकिन फजीला काजी इज़ माई आइडेंटिटी, मतलब मेरे मैं हमेशा से इसी नाम से पहचानी जाती हूँ, और कैसे ने मुझे खुद कहा कि बिल्कुल नाम चेंज नहीं करो, क्योंकि आपको एक आदत हो जाते हैं ना कि ये एक नाम है और सब जानते हैं। भी है ना यार, कौन जाए इस तरह आपके। जी जी बताएं आपके रोजे कैसे चल रहे हैं?
मेरे तो जैसे सबके चलते हैं, पूरे जा रहे हैं, समटाइम्स मिस हो जाते हैं, समटाइम्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया हो तो आप देखिए मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, जीप उठाई बलूचिस्तान चले गए, पहाड़ों में चले गए, कभी कहीं चले गए। वैसे मैं तो आपको एक बात बताऊं, सॉरी हम लोग क्या प्लान करते हैं समझे, जो एजाज को मैं कई बार कह चुका हूँ, उद्दान को कह चुका हूँ कि यार शहरी के शहरी घर पे कर लो, अफतारी कहीं दरिया किनारे पे चल के कर लेंगे, कहीं झील किनारे चल के कर लेंगे, ट्रैवल करेंगे, बड़ा शौक है इनको। नहीं, बट दिस इज ऑपोजिट, क्योंकि आदमी कहते हैं अफतारी मुझे घर पे करनी है, सहरी भाई कहीं कर लो चलो हम चले जाते हैं, या खाने पे चले जाते हैं। मुझे आपने नहीं देखा होगा टीवी प्रोग्राम्स में सहरी या अफतारी में, क्योंकि मैं होता ही नहीं हूँ। एडवेंचर का बड़ा शौक है इन्होंने, इन्होंने अपनी ऑफ रोड गाड़ियां बनाई हुई हैं, बड़ी जबरदस्त। मैं तो हम जब बैठते हैं तो शेयर करते हैं तस्वीरें, ये देखो अब मैं ये बना रहा हूँ, ये मछली का शिकार वगैरह भी कर लेते हैं, पकड़ के शिकार नहीं, 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 नहीं। सिर्फ ट्रैवल, मछली का शिकार तो नहीं होता ना, मछली पकड़ते हैं, और मछली का भी शिकार होता है, मछली के शिकार पे लोग जाते हैं। क्या बात है, हम लोग शिकार नहीं करते, हम ट्रैवल करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, अपनी सब्जियां साथ ले जाते हैं, अपना खाना वहीं जाके पकाते हैं। तो आप लोग अच्छा रोमांटिक कपल, माशाल्लाह। नहीं मैं नहीं, एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? एक कभी-कभी एक बार गई थी, उसके बाद लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ज्यादातर ट्रैवल में और ऐसे बैरन एरियाज में वो एक होता है, तो उस वजह से बाथरूम भी नहीं होते ना वहाँ। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात है कि देखिए दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हर वक्त एक दूसरे के आप आसाब पे सवार ना रहने, एक दूसरे को स्पेस दें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरा घूमें, बातें करें। लेकिन आपको शौक है इस तरह आउटडोर एडवेंचर? मुझे नहीं, ऑनेस्टली मैं बच्चों को, मुझे जंगलों में जाने का बिल्कुल शौक। बच्चों को है? हाँ। बच्चे आपके साथ जाते हैं? बच्चों ने अपनी गाड़ी एक एक अलग बनाई हुई है। हाँ। मैंने अलग बनाई। ट्रेलर होना चाहिए आपके पास, तो वो ना कमरा उसमें, जैसे मैंने वीडियोस में देखा है, बाथरूम भी होता है, ये स्टोरेज भी बड़ा हो जाता है ना ऐसे खोल के। कहते हैं इतने कंफर्ट में जाने का क्या फायदा फिर, क्या कहते हैं इतने कंफर्ट में जाने का क्या फायदा फिर, अगर आपके पास हर चीज हो तो फिर आप कैसे एंजॉय करेंगे? फिर आप लंबा स्टे कर सकते हैं ना। नहीं यहाँ पर हमारे पास बलूचिस्तान में और सिंध में ऐसी स्पीशीज हैं जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं मालूम। थर के इलाके में नील गाय है, हाइनाज है, अच्छा लेपर्ड है जी, खरगोश बहुत हैं, अच्छा उसके अलावा एक और जानवर है जिसका नाम हम नहीं लेते, वो है बहुत ज्यादा, अच्छा मोर जहर उस तरफ बहुत है। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान जब हम जाते हैं तो वहाँ पर वुल्फ हमारे पास हैं, गोल्डन वुल्फ है हमारे पास, हाइनास बहुत सारे स्ट्राइप्ड हाइनास जो कि एंडेंजर्ड है वो हैं, लेपर्ड्स हैं, अच्छा कभी आए कभी। हाँ क्योंकि जब हमें अंदाज़ा नहीं था, जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम जब कैंप साइट पर खाना खाते हैं तो जो लेफ्ट ओवर होता है करीबी फेंक देते हैं ना, तो वो स्मेल करते करते वाइल्ड लाइफ आ जाती थी करीब, फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार ये तरीके हुआ कभी इनकाउंटर के आप वो सामने से कुछ चीज आ गई हो, कोई जानवर ऐसा खतरनाक होता है? कई बार होता है, कई बार होता है, अटैक वगैरह नहीं करते? एक जगह आपको बताऊं, पीर बंबल उसका नाम है, वहां पर तो लिटरली कहा ही जाता है कि गीदड़ों का जिरगा बैठता है, आपस में उनकी उनकी लैंग्वेज में उनके फड्डे चल रहे होते हैं। आज हम फड्डों पर ही बात कर रहे थे, बड़ी वो उसमें भी चलते हैं यार, समझ से बाहर है, ये कुदरत का एक निजाम है, और उनको आप दूर से देखें, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, उनकी प्राइवेसी में मुखल ना हो तो वो आपको तंग नहीं करते। अच्छा, तो मैं तो एजाज से कई बार कह चुका हूँ, चलो ये मुझे अक्सर बोल, ये बिजी होता हम लोग बाइक्स पे जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा वो डिफरेंट। अच्छा फजीला मेरी तरह है, इनको रौनक वौनक पसंद है, हम सहेलियाँ इकट्ठे होते हैं तो कितना हम एंजॉय करते हैं। हाँ हम लोग तो बहुत मतलब मजा आता है ना कि आप जरा दोस्त हैं, तो मैं अपना मेरा इस तरह का है कि मेरी कजन्स के साथ हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का, तो हम लोग अपने ट्रैवल करते हैं, मुझे उनके साथ जाने का शौक है, क्योंकि जहर फिर हम वो गर्ल्स ट्रिप होते हैं तो यू नो आप थोड़ा इजी होते हैं ना, आपको ये नहीं होता कि हाँ अभी ख्याल रखें, मतलब वो फिर वेकेशन वेकेशन नहीं होती है ना, अगर वेकेशन हो तो उसमें भी आप देखें भाई हस्बैंड ने खाना खाया नहीं खाया, चाय पी नहीं पी, यू नो ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना, और ये मुझे लगता है हम एशियन औरतों में ना ये कुछ ये वाला प्रॉब्लम है, हम चाहे कितना भी कह लेना कि नहीं हम वी डोंट केयर, लेकिन नो वी डू केयर ऑलवेज। अभी सारे आप देखें रमज़ानों में जितनी भी खवातीन घर में, चाहे वो बेचारियाँ रोज़े रखें, नमाजें पढ़े, सब करें, लेकिन उनके सर पे ऑटोमेटिकली हमने ये जिम्मेदारी उठा ली है कि नहीं यू नो इफ्तार में सब चीज़ें हों, अच्छी हों, बच्चे को भी पसंद हो, हस्बैंड को भी पसंद हो, घर वाले भी खुश हों। तो ना एक आंख टेढ़ी हो गई ऐसे करके ना, क्योंकि बच्चे पे रहती है बकायदा ऐसे चली जाती है, पता नहीं कैसे। नहीं मतलब वो यही ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, नहीं तुम आंख सीधी कर लो अभी, सिर्फ मैं ही टेढ़ी हो गई मेरी आंख।
तो लेकिन एक ये फेजेस होते हैं डिफरेंट लाइफ के, आप बच्चे छोटे होते हैं तो फिर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली अकेले नहीं जा सकते, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर हर एक की लाइफ अपनी अपनी हो जाती है, बच्चों की अलग हो जाती है, आपकी अलग, और वो फिर एक अच्छा है। देखो जिंदगी का हर जो फेज है वो खूबसूरत होता है, उसको एंजॉय करना चाहिए। बच्चे छोटे थे तो उनके साथ घूमते थे, अच्छा है उनको दुनिया दिखाई, तो वो बाद में जब उन्होंने अचानक दुनिया देखी तो उनकी आंखें यूं ही फट गई, उनको कहा कि उन्होंने उनको पता था सब, हाँ कि भाई एक्सपोजर था उनको, पता था हाँ भाई ये सब कुछ होता है, ऐसे ही होता है। फिर अब बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा आपको ना उनको छोड़ना पड़ता है, हमारे हम हाँ हमारे हमारे जो पिछली नस्ल की जो पेरेंटिंग थी उसमें ये कि छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, नहीं जो हम कहते हैं वो करो, लेकिन शुक्र अब उसमें बच्चा सीखता नहीं है। हाँ नहीं, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ आता है फैमिली इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। परिंदों के बच्चे भी उड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा उनको जाने देना चाहिए, सीखें, दुनिया देखें, फिर अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करें। आप लोगों को बहुत मुबारक हो बेटे की शादी की, अहमद की शादी की, माशाल्लाह। भाई मुझे बताएं, तो शादियां हो रही होती है तो बड़ी वीडियोस आ रही होती है सेलिब्रिटी कपल की, पहले बड़ी शादी घर में तो कोई सेलिब्रिटीज रौनक, हमने वीडियोस नहीं देखी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं पता चला, क्या वजह? कोई सादगी से थी? एक्चुअली मेरी अम्मी का उन दिनों इंतकाल हुआ था। अच्छा। और हमने जो बच्ची हमारे पास हमारे घर आई उनके घर वालों से ऑलरेडी कमिटमेंट कर ली थी, तो वो एक ऐसा टाइम फ्रेम था कि बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं कर सके, और जाहिर है बेशक, और बच्ची को भी लाना था, तो हमने इस तरीके से किया कि खामखा ज्यादा उसकी वो हाइप भी ना बने। मैं वही हैरान, फजीला ने मुझे नहीं बुलाया, कैसे हो सकता है? मैंने किसी को भी मैंने किसी को नहीं इजाजत से पूछे, कोई मेरा कोई दोस्त। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो ये वाला मसला भी था जो इम्पोर्टेंट था कि वो हमें करनी थी और एक बात तय हो गई थी और सडनली ऐसा हो गया, लेकिन दूसरा मेरे अंदर भी एक अपनी चीज थी कि जब मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगी तो मैं उनको इतना सिंपल और इतना ऐसा अच्छा रखूंगी कि मतलब आप लोगों के लिए मिसाल बने। बहुत ज्यादा जब हम इस तरह चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, तो लोग जो देख रहे होते हैं आपको नहीं पता कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, हाँ, नहीं कर सकता, फिर आप उनको डिजाइनर्स के कपड़े, फिर मेकअप। मतलब मैंने खुद एक बच्ची का मुझे किसी ने बताया कि जी वो बच्ची थी और उसने कहा कि नहीं जब तक मेरी शादी में मेकअप यहाँ से नहीं होगा, जोड़ा यहाँ से नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी, माँ बाप ने उधार लेके किया और उसको, मतलब यू नो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता मैंने इसलिए भी बहुत लिमिटेड उसको रखा, क्योंकि देखें जब आप जाहिर उस तरह करेंगे तो फिर आप 10 लोग आपसे नाराज होंगे, किसी एक को बुलाएंगे, एक को बुलाएं, सबको बुलाएं, इसीलिए फिर एक तो ये कि सब खुश हैं, मुझे पता है हमारे जितने भी सारे कलीग्स हैं सब खुश हैं इस बात से। नहीं काफी लोगों ने YouTube वगैरह पे उन्होंने लगाया भी, लेकिन आपको पता है उसमें एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा लगाया है। यही लिखा ना कि मतलब शादी हो गई और इतने खर्च कर दिए और इतने पता नहीं कुछ। अच्छा। लिखते हैं एक वो क्या कहते हैं उसको पिन क्या समथिंग कुछ पिन इंटरेस्ट या पता नहीं आई डोंट नो पिंटरेस्ट ये दिया तो वो हो गया। तो लेकिन बात ये कि मुझे खुद सिंपल करना था एंड आई एम ग्लैड कि वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग थे और मेरी जो बहू है वो भी अंडरस्टैंडिंग है बहुत। उसने कहा नहीं अम्मा यू आर राइट। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कि आप ना हर चीज़ एक लिमिट में रखें और जो आपको अपने बच्चों को देना है वो उनको दे दें, वो अपने पर्सनल उसमें यूज करें, अपने बिजनेस में यूज करें, अपनी पढ़ाई में यूज करें, पैसे को वेस्ट कितनी है ना वेस्टेज पैसे का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैंने कोई वेस्टेज नहीं किया कि मैं दिखावे के लिए इतना सब कुछ दे दूं, तो मुझे जरूरत नहीं है वो सब। लेकिन पता है कुछ चीजें दिखानी चाहिए, जैसे क्लिप है तुम्हारा, टर्न होना प्लीज, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, ये ये चीजें ना इनका दिखावा ठीक है ना। अच्छा अब हम थोड़ा पीछे पीछे जाते हैं ना, जब आप लोगों की शादी हुई तो उस वक्त तो मेरी भी शादी बहुत गुर्बत में हुई थी, सब आ गए थे अलग बात है। बात नहीं यार, मेरे पहले प्ले में तुम थे हीरो याद है? हाँ, इनके साथ वो नेवी वाला, हम पुरानी गाड़ियां खरीद के बना के बेचते थे, भूल गए चाचू? अरे वो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, कुछ और। ओके ओके, नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं, ओके नहीं नहीं नादिया को मिल जाए ना कुछ बहुत अच्छा, पता चलना चाहिए। क्या नाम था तुमने नेवी वाला किया? समंदर जाग रहा है, समंदर जाग रहा है, राइट। उसमें ये किया था। और कैसे भाई उस आप लोगों की जब शादी हुई तो वो एक टाइम ऐसा था जब सेलिब्रिटी कपल्स की शादी जो है वो ये समझा जाता था कि यार ये सक्सेसफुल नहीं होगी, और बहुत कम होती थी, बहुत कम होती भी थी, तो एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ था लोगों का। आप लोगों ने माशाल्लाह सारा, और वो लड़के की माँ कहती थी काम तुम शोबिज में करो लेकिन बहू मैं शोबिज से नहीं लाऊंगी। हाँ, पहले ही बता रही हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। ये लोग हमारे साथ तस्वीरें बनवाते हैं अपने घर वालों की, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम कहते हैं कि जी हमारा ताल्लुक अगर शोबिज से है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, तो पहले उन दिनों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों ने तो एक तस्वीर खिंचवाने को भी आराम करार दिया, मतलब लेकिन फिर डिबेट्स हुई, बात होती है,
तो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो आप लोगों ने वो फेस की प्रॉब्लम यार बहुत ज्यादा फेस किया कई बार हम बल्कि मैं हम लोग शूट पे थे नासिर दाना वाला को जानते हैं हाँ उनके घर पे हम शूट कर रहे थे तो मगरिब की अजान नमाज पढ़ी हमें तो इमाम साहब ने सलाम फेर के हमें देखा यार तुम लोग तो सही काम नहीं करते हो ये तो तस्वीर खिंचवाना था हराम है तो मैंने कहा कि आपने उमरा किया है यार हमने हज किया तो मैंने कहा पासपोर्ट पे क्या लगाया आपने जो रियाल जेब में लेके जाते हैं और फिर उस पर किसकी तस्वीर लगी होती है एंड ही हैड नो आंसर। बात यही है कि हम नहायत अदब से मैं बात कर रहा हूँ मैं किसी की दिल आजारी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक चीज़ है आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं है और आप एक अपनी एक अपीयरेंस बना के और दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप ऐसी बात करते हैं कि जिससे कि अगले की दिल आजारी हो और वो नॉलेज आपके पास नहीं है उन लोगों को एजुकेट करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिस तरह आना चाह रहा था कि आप लोगों की जब शादी हुई तो एक तो वो कि किस तरह किसी ड्रामे में आप लोगों की मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद आप क्या क्या सीक्रेट है माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल मैरिज का कि मर्द ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है या 18 इस वक्त अगर शादी कर ली तो करियर खत्म हो जाएगा और वो भी पीक पे थी हाँ बिल्कुल और मतलब अच्छा अब मुझे एहसास होता है अब मुझे एहसास होता है प्रेशर नहीं था क्या कर ली दोनों दोनों नहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कर ली लड़की ने तो लेकिन करनी होती ना फर्क इतना नहीं पड़ता लड़की का काफी मैं कह तो रही हूँ कि मैं मुझे लगता है कि जल्दी कर ली थी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए हाँ हाँ मतलब सीरियसली अब बच्चियां इतनी समझदार हो गई कि वो बहुत ही देर कर दे बैलेंस खत्म हो गया आई वाज 20 आई वाज 20 व्हेन आई गॉट मैरिड तो मुझे लगता है कि नहीं आपको तकरीबन 24-25 साल की उम्र में आके थोड़ा शादी करनी चाहिए अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या आप अपने करियर में कहीं हैं तो हाँ आप बहुत छोटे होते हैं। इस पे ना दो औरतों के सवाल आएंगे मुझे पता है आपके जहन में क्या चल रहा है। नंबर एक अगर 25-26 में शादी करेंगे तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे और दूसरा शादी के बाद पढ़ लें शादी के बाद कोई नहीं पढ़ भाई अगर देर से शादी करोगे तो अच्छी वाली जो वो चली जाती हैं फिर रह जाती है कुर्चन। मेरा जो सवाल है घुमा के मैं वहीं वापस लाऊंगा कि आजकल सेलिब्रिटी मैरिजेस हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं नहीं चलती तो कोई ऐसा सीक्रेट जो आप लोगों ने फॉलो किया और माशाल्लाह देखिए सीक्रेट कुछ भी नहीं होता ये सिर्फ आपस में जो एक दूसरे के लिए आपके दिल में मोहब्बत या लिहाज होता है आप उस भी चीजों को फिर मैनेज करके चलते हैं। तो आजकल क्या कमी है नहीं देखो मैं बताऊं बात क्या है कि आजकल ना बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए सब मैं जेंडर को हटा देती हूँ लेकिन हम सब बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए और उसमें क्या होता है कि फिर कुर्बानी देने वाला कहता है कि मैं क्यों दूं तुम दो ना बराबरी ज्यादा चल रही होती है इस तरह से और फिर बहुत सारी चीजें जो मैं कहना नहीं चाहती यहाँ पे लेकिन ऑनेस्टली मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन आज कह दो तुम ग्रीन चैनल पे बैठी हो तुम कह दो मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी लेकिन हाँ मैंने अपने करियर के बहुत जो पीक इयर्स थे वो मैंने छोड़ दिए थे मैंने कोई 8-9 साल काम नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे मतलब आई वॉज 23 जब मेरे कैसर भाई मना करते थे नहीं करो या खुद ही कैसर का मना करने का तरीका बड़ा डिफरेंट था कैसर बहुत स्मार्ट है आप लोग इनसे कैसर पता क्या बोलते थे मेरे बच्चे तुम पूरा दिन नहीं होती उनकी शक्लें ऐसी हो जाती हैं यतीमों जैसे लगते हैं मेरा दिल पे मैंने कर लिया क्या हो गया ऐसे ही था इमोशनल मार और खुद कर रहे थे काम हाँ 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 कैसे के तरीके थे ना वो इमोशनली फिर मैं कहती थी मेरे बच्चे बाकी मासूम फिर इस तरह की चीजें फिर कैसे को आती थी फिर मैंने एक बात बस बोली मैंने कहा ठीक है मैं जितना आपको कब समझ आया कि ये तो मुझे बहुत देर में समझ आया अब तक देर हो चुकी अब तक तो हाँ तक उनका जो था ना केस वो जीत चुके बहुत अफसोस क्या वो ट्रक गुजर गए हाँ वो ट्रक गुजर गए तो वो उसके बहुत बाद में समझ आया बड़े अफसोस की बात है यार लेकिन ये कि मैं एक बात करती हूँ मैं रिग्रेट नहीं करती अपने उस टाइम को क्योंकि मैं जब अपने बच्चों की शक्ल में उसका फल देखती हूँ तो नहीं मैं तो रिग्रेट उस टाइम को नहीं करती जो मैंने अपना कुर्बानी बच्चों के साथ जवाब दूं उस बात का नहीं पहले मैं दे दूं कंप्लीट कर लूं फिर आप जवाब अच्छा चलो ये है देखें सक्सेस चुप हो गया ना लव वो एक बंदा चुप है ना उसने कहा पूरी कर ले नहीं बीच में जागता था वडेरा कभी-कभी कुछ सालों पहले तक लेकिन हां कंगला वडेरा मैंने कहा देखें हमने कितने साल इतने अच्छे तरीके से गुजार लिए हैं तो अब हमें और साल भी मजीद क्योंकि अब हमें इतनी आदत हो गई एक दूसरे की कि ना इनको कोई बर्दाश्त करेगा ना मुझे कोई बर्दाश्त करेगा तो मैंने कहा बेहतर है हम दोनों एक दूसरे को आगे सोच क्यों आती है खवातीन को इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आप ट्राई कर लें आप बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं मैं तो कर लेंगे क्या सिंगल रेडी टू मिंगल चले
लोग मुझे जानते हैं सबसे पहले तो आप इनसिक्योर नहीं होती नो मैटर व्हाट ये पता है ये तो बड़ी अच्छी बात है आई लव केसर भाई से केसर भाई से उनका वर्जन भी तो सुने ना केसर भाई से उनका वर्जन सुने कि मैरिज खत्म होने का नहीं फिर भाई वो जब ये काम वो जो टाइम था आपने काम कर जो ये कह रही है मेरे साथ इशू क्या था तरीके से मैं उन दिनों वन आफ्टर द अदर प्रोडक्शंस करता जा रहा था मैं जब काम कर रहा होता था पता नहीं आपके जहन में है कि नहीं है मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था ड्राइंग रूम में स्क्रिप्ट ऐसे पहले भी होते थे वहीं कास्टिंग हो रही होती थी वहीं सारा कुछ हो रहा होता था और हम लोग मतलब दिन रात में काम कर रहा होता था मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मैं सेट पे था मैं पिलर के साथ खड़ा हुआ था और खड़े खड़े मैं सो गया घोड़े की तरह मेरा एसोसिएट आया कहने का सर वो शॉट रेडी है चलें तो अब मैं जब इतना काम कर रहा हूँ और फजीला भी काम कर रही है बच्चे छोटे फिर वो ज़ाहिर निगलेक्ट हो रहे होते हैं फिर घर में एक तनाव की सी कैफियत नहीं बस मैंने ये सोचा मैंने कहा यार इंस्टेड कि मैं इसको अपेंड करूं चले कुछ और स्क्रिप्ट बना तो फिर हमने स्क्रिप्ट बनाया मैं देख मासूम की शक्ल उल्लो उल्लो कैसे नहीं इतना सा हो गया फिर हाँ वाकई तो बेचारा बिल्कुल मुरझा गया मैंने देख तुम नहीं हो ना मुरझा जाते हैं बच्चे हाँ ठीक है ठीक है तो मुझे मेरे इतने राइट्स के वो फराइज बताएं सारी जिंदगी कि खैर वो एक अलग बात है वो ठीक है लेकिन मतलब मैंने खुद भी ये सोचा मैंने कहा चलो ठीक है किसी एक को तो कुर्बानी देनी है और बच्चे वाकई बहुत अपसेट होते हैं फिर हमारे साथ ये था कि हम लोग अकेले रहते थे गुजवाइन फैमिली में नहीं रहते थे तो उसमें फिर आप पे बहुत जिम्मेदारी होती है अच्छा एक अभी बहुत बड़ा चेंज आया है फैमिली में और घर में सालों से एक लड़की घर में फजीला भाई आप दो बेटे तो एक होता ना एक अपनी चल रही होती है और थोड़ा खुद भी मर्दानापन आ जाता है मेरे भी घर में आजकल ये डायनामिक्स चल रहे हैं क्योंकि अलीजे चली गई क्या निडा तो मैं अकेली लड़की तो अब एक बच्ची आई घर में माशाल्लाह बेटा बहू साथ रह रहे हैं तो क्या लाइफ में चेंज आया दोनों से पूछूंगी यकीनन कुछ भी नहीं यकीन माने आप पर कैसा लग कोई चेंज नहीं बेटी आ गई हाँ बेटी आ गई बिल्कुल मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लगी अच्छा लग रहा है कुछ कैसा कितना अच्छा लग रहा है कोई चेंज नहीं आया कोई ड्रामो वाला सीन नहीं चलता कि चाय ला दूं पानी ला दूं बुलाती क्या मम्मी डैडी कहती है नहीं बाबा ही बोलती है मुझे भाई वो कहते मुझे बाबा नहीं बोलो मुझे भाई बोलो लेकिन बहू को कह रहे कैसर भाई बोलो और क्या मुझे तो बाकी अम्मा बोलती है और क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी लॉयर हैं तो नेहल जो है मेरी डॉटर इन लॉ वो भी लॉयर है फिर इनकी पसंद होगी तीन तीन वकील साथ में कोई केस तो नहीं लड़े कि ये नॉन प्रैक्टिसिंग नहीं सॉरी प्रैक्टिस बात सुनो मुझे अगर लोग क्लाइंट मेरे सीरियस नहीं लेते इसका ये मतलब नहीं है हाँ नहीं 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 खैर तो आपने बच्चों को वो चारों काम पे निकल जाते हैं सब काम पे निकल जाते हैं तो घर में कोई ये नहीं होता बस ये कि अब सबका घर है मेरे घर में ये रूल है कि भाई सबका घर है जिसका जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे करो खाओ पियो कोई रिस्ट्रिक्शन घर पे आ जाएगा हाँ मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ट्रे बना के लाओ सबको साफ सब अपने हिसाब से कौन बनाता है जब दिल चाहे जिसका दिल चाहता है जो फ्री होता है कभी मैं होती हूँ अगर नेहल फ्री होती है तो वो बना लेती है वो जल्दी वो भी बाहर हो आप भी शूट पे हो फिर क्या होता है ये है ना बना लेते हैं नहीं तो मेरा छोटा वाला बेटा है वो बड़ा अच्छा बना लेता है वो बाहर रह के आया है हमारे हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं साथ में रायता भी हो चटनी भी हो अरे ये क्या हुआ अलग से तुमने वो प्याज काट के कोई खुद काट लो जिसको तकलीफ है वो खुद काट ले नहीं हमारे घर में ये क्या ट्रेनिंग है तुम्हारी आई लव यू दोनों बच्चे माशाल्लाह देखोगे ना कोई सुबह उठ के ये नहीं कहेगा माँ को या बीवी को कि ये बना के दे दो या वो कर लो तो मैं नेहल को कहती हूँ नेहल तुम बड़ी लकी हो कि तुम्हें ना ये सही ट्रेंड वाले बच्चे मिले मुझे ट्रेंड वाला बच्चा नहीं मिला नहीं था मिला। तो मैंने कहा फिर इसलिए मैंने अपने बच्चों को सही ट्रेन किया तो बच्चे जब आपके बड़े हो रहे थे वो ग्रोइंग स्टेज होती है तो उसमें किसकी ज्यादा सुनते थे आपकी तुम मुझे बताओ तुम्हारे घर में किसकी ज्यादा सुनी जाती है यार मैं आज बताओ चलो दो दो तरह की मैं बता मैं आपको बताता हूं थोड़ा बोलो बताओ मैं बताता हूं बताऊं बताओ बताओ बहुत सवाल कर रहे हो मेरे साथ ये होता है कि जब कोई ऐसा काम होता है ना जो जो ऑर्डर टाइप होता है या सख्ती वाला होता है तो वो मेरी बीवी करती है वो काम और जब बच्चों को कुछ चाहिए होता है कुछ बात करवानी होती है तो वो मेरे पास आता है मासूम मैं जो है सबका यही हाल है बिल्कुल
बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ ना कि हाँ अच्छा ठीक है चलो करने दो यार हो जाएगा कोई मसला नहीं। तो माशाल्लाह कितने बड़े हो गए बच्चे? बच्चे बस बड़े हो गए, ये ना पूछे, मैं नहीं बताऊंगा कितने बड़े हो गए। ये क्या बात, इतने इतने हो गए? फिर वो कुछ इतने हमारे बच्चों से बड़े हैं या उनके बराबर हैं? ये मुझे आपके बच्चों को भी एज नहीं पता, तो मैंने ये बच्चे छुपा के रखता है मुल्क से बाहर, अपने ही है ना वो मुर्गी है, पता है क्या इजाज़ असलम की एज ना किसी को पता चले, इसलिए कहा बच्चों को तुम मुल्क से बाहर रखो, खबरदार आने जाने का पता ना चले। छोटी वाली दिखा रहे, छोटी वाली दिख रहा है, इन्होंने क्या किया ना क्लेवरनेस की, छोटी बच्ची भी ना एक लेट बेबी पैदा किया ताकि उसको बाहर ले जाए, आखिरी वाला दिखाते हैं कि ये पहला है। और मुझे तो अब ये राज सीखना है कि बड़े छुपा दिए दो, मेरे सारे बाल सफेद होंगे, इनका एक बाल सफेद नहीं होगा यार, एक इसका तरीका होता है, तरीका आपको सिखा दूंगा। जी जी अभी हल्का हाथ रखिए, सिखा देंगे आपको, इसके पार्लर होते हैं। मेरी तो जो फैमिली तो नहीं हो रहा ना, पक्की बात है, ठीक है डन, क्या यार आप हालात में अफेंड हो, ये तो यार तुम्हारी काली वाली गाड़ी जो तुमने दी थी मुझे याद है, वो हमने गाड़ियों का काम जो है ना वो कुछ मतलब आपस में ट्रेडिंग भी की हुई, एक दफा मैंने इनसे गाड़ी ड्रामा भी एक साथ बना, वर्कशॉप थी तुम्हारी? नहीं नहीं, ये जब कोई गाड़ियों का, क्योंकि कैसर भाई को बहुत शौक था, अच्छा बाइंग सेलिंग, उस वक्त जो है ना मैं कोई गाड़ी चाहिए होती थी अच्छी, इनसे पूछता था कि यार कैसर भाई, और फिर इसके पास जो गाड़ी होती थी मेरी नजर उस पर होती थी यार ये तुम गाड़ी, फिर मैंने एक गाड़ी ली तो ये कहने लगे जब हमारा मैकेनिक ही की था। नहीं वैसे एक बात बताऊँ, ये दोनों जो है सही लोग, बहुत सारे अलग लोग होते, नहीं ये दोनों बहुत शरीफ लोग हैं, मतलब लाइक हमने सर्टिफिकेट मिल ऐसे भी काम किया है एजाज के साथ कि हमने साथ इन्वेस्टमेंट करके, देखिए झगड़ा जहाँ अगर पैसे पे झगड़ा हो ना वही बुरे लोग होते हैं, हमारा कभी झगड़ा पैसे पे नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट की एक साथ प्रोजेक्ट किया, क्लियर हो गया, ऑल गुड। बात ये कि वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, तो इस फील्ड में क्या है बहुत सारे लोग जो है उन्होंने ऐसे अपने आप को प्रमोट किया कि लोगों के पैसे खा गए, फिर हर सेट पे उनका जिक्र हुआ और वो मशहूर हो गए, और हम जो सबसे ज्यादा काम करते रहे हमने किसी के पैसे नहीं खाए तो हमारा जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि बंदे को पैसे मिल गए वो अगला काम करने निकल गया। बड़ा काम किया है आपने, बहुत अच्छा, मतलब हमने 95 से प्रोडक्शंस कर रहे थे, तो अब अगर कोई सवाल पूछता है मैं कहती हूँ असल में सेल्फ प्रमोशन नहीं आती हमें, सही बात, लेकिन बात यही है कि बस बहरहाल मुझसे नहीं होता दिखावा, मुझसे नहीं होता शो ऑफ, मैं जो हूँ वो हूँ। जो वक्त था पीटीवी में जब एक ही चैनल होता था, उस वक्त कोई हिट हो जाता था एक्टर तो बहुत सुपर हिट, एक आप कहीं चले जाते थे तो एक वो होता था, लोग देखते थे कि भाई ये अच्छा टीवी में आता है, तो अब तो खैर वो इंस्टाग्राम और इसकी वजह से इतनी सब लोगों का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि वो नहीं है, लेकिन उस टाइम पर जो फेम था वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी। तो आजकल जो लोग फेमस होते हैं और उस वक्त वो फेम को हैंडल कैसे करते थे, आप लोगों ने क्या किया? फिल्म एक्टर्स को फॉलो करने लग गए, उनकी वैनिटीज़ अलग होती हैं, उनके टेंट्रम्स अलग होते हैं। रोशू आज भी आपकी शनाख्त है, हाँ आप कहीं भी जाओगे ना रोशू, क्योंकि आपने काम किया और लोगों ने देखा सराहा उसको। हमारे यहाँ हो ये गया, अभी ड्रामे अच्छे बनते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि मैं अगर एक चैनल देख रहा हूँ और फजीला का या नादिया का आपका दूसरे चैनल पे ड्रामा चल रहा है तो मैं जो देख रहा हूँ वो मैं मिस कर जाऊँगा। पहले ऐसे नहीं था, वो यही पूछ रहे हैं, पहले यूँ नहीं था, पहले एक ही होता था आपने वही देखा, अच्छा है बुरा है यही है, सड़कें खाली तो हमारा ड्रामा जो तो सड़कें खाली हो जाती थी, हर ड्रामे पे खाली हो जाती थी, क्योंकि एक ही चैनल था एक ड्रामा आता था। अच्छा मुझे तो ऑनेस्टली पता ही नहीं था कि मैं इतनी मशहूर हूँ, कैसे पता? सीरियस बता रही हूँ मैं, मतलब आप कह रहे थे ना कि वो फेम को आप कैसे हैंडल करते थे, मुझे तो अब मैं सोचती हूँ अच्छा हमें तो पता था ना मैं इतनी मशहूर हूँ, हाँ इन्हें तो पता था तभी तो इन्होंने मुझे मुझ पे डोरे डाले थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी मशहूर थी। और फिर मुझे बाद में जब अंदाजा हुआ तो मैंने कहा कि यार मतलब अगर मुझे पता भी होता तो हम जिस तरह आप देखते हैं सेट्स पे, जैसे ये बात अभी हम कर रहे थे कि अलग रूम्स अलग चीज़ें, भाई ठीक है कभी हो सकता है तो हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो मतलब ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ अगर नहीं है तो मैंने रुकना ही नहीं है सेट पे, या फिर लोग पहले कहते हैं कि जी हमें चाहिए अलग रूम्स, ये चीज़ें मैं अब सीख रही हूँ तो मैं करना चाहती हूँ ये सब कुछ, मैं जो कह रही थी ना हो नहीं पा रहा मुझसे होता नहीं है, बिकॉज आई थिंक मुझे अनकम्फर्टेबल हो जाता है कि मैं किसी को तंग करूँ जाके सेट पे, या ऐसी कोई उनसे फरमाइश करूँ जो मुझे लगे कि नहीं हो पाएगी। हमारा भी जो किचन है वो इस वक्त सुना सुना पड़ा है, इफ्तारी इनको लेके जाते हैं कुछ दिखाते हैं हमने क्या बनाना है। फजीला और भाई इतने फिट हैं, किसी ना किसी डाइट पे होंगे, पहले हम पूछ लें आजकल कोई चीज अवॉइड कर रहे हैं क्या खा रहे हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ चलते हैं कुकिंग में। आप इफ्तारी में कुछ खास तैयारी करते हैं? सब खाते हैं हमारे यहाँ इफ्तारी में, फजीला बैठी हमारे यहाँ खाना लगता है डायरेक्ट, ये जरूर से आपने सिर्फ रूट चाट, हाँ सिर्फ वीकेंड्स पे कभी कभी कोई अगर कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज हाँ फ्रूट चाट बना लेते हैं और खजूर और खाना थोड़ा। खाने में क्या खाते हैं? वही खाना नॉर्मल, वही बचा हुआ खाना,
अच्छा वही जो खाना है नॉर्मल खाना हमारा जायका है। 12 बजे के जिम में स्नैक करती हूँ, आप लोग उस वक्त क्या खाते हैं? चाय, चाय की ड्रिप लगाते हैं। आई लव हर, मेरे चल रही है टाइमिंग पे चाय की तरह बिल्कुल। और एक भी नहीं कहा कि कमाल आ गया, चाय की ड्रिप लगा दो। और फिर सहरी, सहरी में हाँ सहरी में पराठे और अंडे दही और मतलब जो एक अच्छी मजेदार सी एक प्रॉपर नाश्ते वाली सहरी होती है, मगर उसमें भी कुछ ऐसा रात में सालन वालन बच जाता है जो भी, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ आपको बताती है कि बाप जो है मैच्योर होते जा रहे हैं कि बाप को रात के सालन के साथ जो है वो रोटी या पराठा अच्छा लगता है। दो वक्त का तो है, दोपहर का खाना होता है और रात का खाना। किसको आपने टाइमिंग चेंज कर दी सहरी? वो तो खुद ही खाती है। 12 समोसे, 8 6-8 समोसे। अच्छा भाई इतने समोसे छोटे हैं, ये नहीं समझती, पता ही नहीं चलता। नहीं मैं तो और कुछ नहीं खाती ना, तो मैं खाती भी तो नहीं हूँ तो कुछ और। मैं तो सिंपल जैसे आप करते, खजूर से और पानी से रोजा खोला, उसके बाद थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई, क्वांटिटी कम रखता हूँ। इसकी ना ख्वाहिशात मर गई, इतना मारा ना अपने आप को, दिल मारा है टिक्के खा खा के, अब ख्वाहिशात मर गई। टिक्के विक्के नहीं खाता मुझे बिल्कुल, सामने देखते इसको कुछ फील भी नहीं होता। हाँ ये है, फील नहीं होता। कैसे होते हैं समोसे? दोबारा करके बताओ कैसे बनाते हैं समोसे पकौड़े? देखते हैं ये ऐसे बनाते हैं, कोई क्रेविंग नहीं होता। हमें होते ना क्रेविंग, हाँ हाँ याद आता है, क्रेविंग भी ना बिल्कुल ख्वाहिशात मर गई। मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है लेकिन फजीला इस बात की गवाह है। अम्मी हमेशा कहती थी कि जब मैं 40 दिन का छोटा बच्चा था ना, मैंने पूरी कोक की बोतल पी। हाँ भाई 40 दिन जी, सवा महीने के बच्चे को कोक की बोतल पूरी बोतल की जगह बोतल कोक की लगा दी। और हमारे घर में लगा दिया, कोक पीते ही हूँ, कोक पीते मैं आज भी जो है ना, मतलब आई कांट लिव विदाउट दिस। दूध सोडा कोक वालों को तो मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। जीजू मुझे तो आपकी बात समझ आ रही है, ये अग्री नहीं करेगा, ले जाएगा इफ्तारी में। नहीं लेकिन मैं सारी ले जाऊंगी, मैं सच बता रहा हूं। आपको खुशी के लिए भी तो चाहिए ना, अब थोड़ा ज्यादा कुछ ना ले, लेकिन ये बिस्किट चाय तो जरूरी है। भाई देखिए मैं कहती हूँ नाश्ते में ना आपको असली घी का पराठा, दूध पत्ती, कड़क मीठी चाय और 2 हाफ फ्राई अंडे और साथ में मलाई ऊपर, और मलाई तो बेस्ट हो गई। अच्छा एक बड़ा आम सा सवाल है, बगैर सोचे समझे भी आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह होना चाहिए, उसके बगैर भाई, कोई काम। मैट्रिक बड़ी मुश्किल से किया मैं, पर्चे बड़ी की बात नहीं कर रहा, पर्चे की बात, ग्रेजुएट बड़ी मुश्किल से हुआ, मैं पर्चे की बात नहीं कर रहा। निकाह नामा होना चाहिए, निकाह नामा। आजकल तो दूसरा वाला चल रहा है नामा, जिसकी बात कर रहे थे। जी जी ये नादिया ने उठाया, ये पता है बिजली का बिल, टिश्यू पेपर, मनी, टिश्यू पेपर, पेट्रोल, देखो है ना इंपॉर्टेंट ये बातें ना। बच्चा हाल का था, बगल में डंडोरा, बगल में बड़ी देर से सोच रहा था। ओहो इसकी बात हो रही है, नाक चमक रही थी मेरी। और चलें जी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं सीधा किचन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, लाइव ग्रीन है और आज हमारी शेफ फरा भी बहुत ग्रीन है। क्या मैचिंग की आपने शो के साथ, वाह आज तो करी लेनी चाहिए। क्या बना रही है आज? मैं कटलेट्स बना रही हूं, लेकिन राइस कटलेट्स बना रही हूं, और थोड़े से डिफरेंट है। आपके घरों में बहुत सारे कटलेट्स चिकन के ही बनाते रहते हैं अक्सर, या आलू के बनाते रहते हैं, या वेजिटेबल्स के बनाते हैं। मैंने सोचा मैं आपको चावलों के साथ कटलेट्स बनाना सिखाती हूँ। अच्छा ये चावल मुझे लग रहे हैं ज्यादा, जो थोड़ा सा ज्यादा उबालने होता है, ज्यादा उबल जाए, उबल जाए तो भी वो यूज कर ले, वरना बचे हुए तब भी ठीक है, नरम हो जाते हैं चावल, उसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास, हाँ और बचे हुए चावल है तो उसको दोबारा से आप मैश कर लें इसको। नहीं दोनों सूरतें हो सकती है, अगर नरम भी हो जाए तो आप कटलेट्स बना सकते हैं, अगर नहीं भी है बचे हुए चावल हैं आपके एक दिन पुराने हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा गला के इसको मैश कर देंगे, ग्राइंड कर लेंगे, तो आपके पास ये राइस आ जाएंगे। तो मैं ये इसके अंदर ले लिया, और साथ में ये इनसे भी पूछ लूं ना जरा कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं एजाज असलम, ये आज किन चक्करों में? आज मैं ब्राउनीज बनाऊंगा विदाउट शुगर, हेल्दी ब्राउनीज। बेक होंगी? बेक होंगी। उस दिन कितने मजे की ओट कुकीज बन, क्या बनाए थे, आए हाय वो आप बहुत अच्छे। तुम खबरें पढ़ो, मैं हाथ धोता हूं। वैसे चावलों पर मुझे याद आया, हम लोग क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे ना, तो इन चावलों से हम लई बनाते जी जी, कैसे तो ना उनकी रेसिपी बर्बाद ही कर सकते। नहीं, नहीं मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं वो खा भी सकते थे, खाते वाते नहीं थे हम लोग, लई बनाते थे। लई क्या मतलब? स्टार्च, उसके स्टार्च, गोंद, गोंद एडहेसिव, एडहेसिव चिपकाने के लिए। पतंग हमारी को फट जाती थी, कुछ तो हम लोग चावल इस्तेमाल करते, कागज पे लगा के, पतला कागज होता था, ट्रेसिंग। तो बताओ ना, बता ट्रेसिंग, आपने याद दिलाया तो याद। आजकल हम राइस पाउडर से वैसे ना फेस मास्क बना रहे हैं, बाल धो रहे हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। ये पता है रेसिपी बड़ी अच्छी है, क्यों?
क्योंकि ना ये राइस जब फ्राई होंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो कोई और चीज डालेंगे, डालने की जरूरत ही नहीं आपको अंडा वगैरह डालने की जरूरत। ये तो अच्छा राइस ले रही है, तो पहले आप बना रही हैं, मैं बना, मैं इसको मैश करके बनाती जाऊँ फिर आप। ठीक है, ठीक है, चलिए। मैंने ये चावल ले लिए, चावल के साथ मैंने एक अदद आलू लिया, ज्यादा मैंने नहीं लिया, इसको भी अच्छे से मैंने इसको बॉईल किया, इसको मैश किया, ये बॉईल्ड एंड मैश्ड है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ले लिया। अच्छा चिकन जो है ना वो ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं इसको, आपके पास रखा हुआ है तो थोड़ा सा ले लें, 1-2 टेबल स्पून, अगर आपको नहीं है घर में अवेलेबल आप वैसे ही इसको बनाए, मसाले ऐड करके बहुत ही अच्छा बनता है। ये बता दूं मेरे अंदर की शेफ जो है ना वो जाग जाती है ऐसे करने आप भी अच्छा खाना बनाती है। दे देती हूं एक, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो वो जो आपको मार्केट में हॉट डॉग मिलते हैं वो आप छोटे छोटे पीसेस में काट के क्यूब्स में वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गुड आइडिया। और इसके साथ में व्हाइट जीरा, अच्छा कम मसाले ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा है, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक, अनहेल्दी खाना खाते हैं हम भी नहीं चाहिए, और इसके साथ मैं ऐड करूंगी, जिंदा होनी बड़ी जरूरी है, जिंदी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 अदद, और उसके साथ याद रखना ना दिया, याद कीवी फाइन, और 1 टीस्पून हमारे पास ये धनिया है बारीक चॉप फाइन, ये मैंने ऐड कर लिया, और थोड़ा सा बेसन ताकि बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अंडा तो हम यूज कर ही नहीं रहे, इसके अंदर क्रम्स भी नहीं यूज कर रहे हम, क्यों, इसके अंदर मना किया, इसीलिए कि चावल खुद एक अच्छा बाइंडर है, वो खुद ही वो फ्राई हो जाएगा, हमारे कबाब टूटेंगे, तो फिर बेसन क्यों डाल, चावल एक हेल्प के लिए, क्योंकि सेफ साइड रहना बहुत जरूरी होता है कुकिंग में, वरना आपकी रेसिपी बर्बाद हो जाती है, आपकी मेहनत जाया हो जाती है। नादिया तो इस तरह पूछ रही जैसे कि इफ्तार के बाद बनाएंगी ये वाली रेसिपी, कीर साहब बनाएगी, बनाएगी कीर साहब बैठे ध्यान से केस कर देंगे, नादिया बहुत अच्छा खाना अब बनाने लगेंगी इंशाल्लाह। 2 करोड़ शोज कर चुकी हूँ कुकिंग के, उसके बाद नहीं बनाया, अब नहीं आया तो अब क्या आना है, सॉरी मैंने एक दफा, मैंने आगे क्या बोला, इंशाल्लाह ही बोला, तो रेसिपीज मैंने एक बार शो की थी, अच्छा मेरा एक भी याद नहीं, पास्ता वगैरह इटालियन कुछ नहीं याद और कुछ नहीं बनाया, भूल गई। आप इस तरह के मामले में ये लड़कियां सीखें इनसे, सीखें, पता है वजीला हर लड़की में ऐसी वायरिंग नहीं हुई होती रे, हाँ जो और मेरी होती खराब वायरिंग है, मियां ने 2 ताने दिए मुझे, उसके बाद 2 ताने, दो ताने, अरे मेरा बेटा इतने अच्छे पाए बनाता है कि ना पूछो, हमारे घर में सारे वजीला ने ऐसा किया हुआ है, हम लोग अमेरिका में पाए खाते हैं, क्योंकि इनका असूल है ना कि मम्मी भूख लगी खुद बना लो, आप क्या बना, ये बहुत अच्छी तरबियत है, अच्छे से मैश करेंगे उसको, हम जस्ट फ्राई करेंगे, मैं आलू की सब्जी, कश्मीर आलू की सब्जी जिसके आलू कच्चे रह जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत आलू मटर की सब्जी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, कैसर को जब भूख लगती है फिर कुछ भी बना, और इनकी हाथ की क्या फेवरेट डिश है जो आपको बहुत पसंद है, यार ये बिरयानी, बस मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, नॉट बिकॉज़ शी इज माय वाइफ, लेकिन शी इज अ वेरी गुड शेफ, वो कहना चाहते हैं मुझे इनके हाथ बहुत पसंद है, हाथ भी अच्छा है, ये तारीफें कब बना सब कुछ उन्होंने शेफ बना दिया, वरना मैं मुझे अंडा उबालना नहीं आता था, जब मेरी शादी होती मैं मम्मी को कॉल करके पूछती थी अम्मा दाल पका रही हूं क्या डालूं, ये ज्यादा नहीं हो गया, सब लड़कियां करती हैं भाई, सब करते हैं ये, हां हां अंडा उबालने के लिए फोन यार, दाल बोल रही हूँ, दाल पकाने का अंडा यार, माशाल्लाह बड़े रोमांटिक हो गए हैं, भाई मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं कुछ करूँ, इस साल बहुत रोमांटिक हो गए, प्रिटेंड करते हैं माशाल्लाह, नहीं नहीं बड़ी बहुत बन रही है जबरदस्त, बेचैन हो रहा हूँ मैं कुछ, सॉरी जी बिल्कुल, हाँ शेफ फराह ग्रीन, बस अब मैंने फ्राई करना है कश्मीर ऑयल से, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, बस मेरा तो इतना ही सा काम है, हो गया जल्दी से, कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल ये चाहिए, खाना तो बहाना है, अच्छा अच्छा ऑयल खाने में डालना है, ये भी सही है, तो अगर ये ऑयल हम यूज ही कर रहे हैं तो एक काम करें, जी जी थोड़ी सी ना सबरोसो के नगेट्स बना दें आज, बिल्कुल आपके लिए बना देती हूँ मैं, हमारे पास है पैकेट जो कल मैंने तुम्हें बताई थी रेसिपी, वो तुमने ट्राई की, दिल चाह रहा रात को मैंने सबरोसो की एक और चीज खाई, कोई नगेट्स थे चिकन के, नगेट्स नहीं डोनट्स, बहुत मजे की, और मैं पहले एक और कबाब थे कबाब, मैं पता है पहले एक और ब्रांड यूज कर रही थी, मैंने रिसेंटली सबरोसो पे स्विच किया एंड आई स्वेयर इट्स सो मच बेटर, हां थोड़ा टेस्ट वाइज स्पाइसी नरम है, मजे का जैसे कबाब ऐसे गले में कहा है ते मुझे के, और तो हाय क्यों किया उसने, खुशी का है, खुशी का हाय, और स्माइल के साथ नगेट्स भी इसके बहुत मजे के, तो हमारे घर में तो अब ये सब स्विच करके हम सब रोसो पे आ गए, मैं कर लूं कुछ ट्राई करके नगेट्स बना, जी जी सिर्फ 12 ज्यादा नहीं भाई, वो पक रहे हैं मैं शुरू कर दूं, ठीक है जी, तो मैंने लिए सबसे पहले बनेनास, हां बनेनास है ये, अच्छा ये बनाना जो है ना ये हर चीज में डल रहा होता है, क्योंकि ये मीठा भी करता है, एक टेस्ट भी आता है, टेक्सचर भी देता है, बेकिंग की, हाँ बनाना चिप्स भी बड़े, हाँ चिप्स खाए वो नेक्स्ट वीक बनाएंगे, वो नहीं है, हाँ बनाना के चिप्स बनते हैं कच्चे केले के, कच्चे केले के हर फ्रूट के बनते हैं, और कोई पहचान नहीं सकता कि वो एक्चुअल चिप्स है, एयर फ्राई, हाँ
बना के बता। मुझसे पूछो ना, मैं बता रहा हूँ दुबई में, तो वही बनाएगा ब्राउन भाई बना एक शो पे, मैं कल आके कैसे भाई बना ही दे हो जाए। अच्छा भाई बनाना आ गया इसमें, और इसमें हमने ये लो फैट मिल्क है ये डाल दिया, मैं अभी थोड़ा डाल रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना और ज़रूरत पड़ेगी। एक अंडा है, अंडा डाल देंगे इसमें, ये हमने एक अंडा डाल दिया, ठीक है जनाब। थोड़ा सा इसमें दूध में डाला ना, अभी वो फेटेगा ना उसके साथ, फिर बेक करेंगे, बेक करेंगे। अच्छा, एक स्पून देंगे जी जी, मेरे आपके पास रखी हुई नीचे। अच्छा ये कच्चा अंडा, और ये थोड़ा सा हमने इसमें कोको पाउडर ये डाला ताकि इसका कलर भी ब्राउन हो जाए और कोको एक टेस्ट आ जाता है। यार सुन, ये कहाँ से सीखा सब कुछ? ये मैं बस अपने हिसाब से बनाता रहता हूँ। मुझे अंदाजा है वैसे तुम्हारे साथ। मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारी। कई दफा मैंने चीजें मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ सीखा कि यार ये डाल। बनाओ बनाओ। और ये इसमें हमने ओट्स डाले, ओट मील, ठीक है। ये हमने इसमें खजूरें डाली, चार खजूरें, बीज निकाल के, बीज निकाल, ये निकाल डाल दी हमने। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर डाला, ये आप बताएंगे ना हम रेसिपी, हमने लिखा हुआ है। हमने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया, बेकिंग पाउडर। अच्छा फिर हमने इसके अंदर मेपल सिरप डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है, मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि खजूर भी डल गई, बनाना भी है तो काफी मीठा हो जाता है। छोड़ दो फिर वो भाई, यहाँ ये बहुत सारे हैं ना, वो फिर कहेंगे यार ये तो फीका है, उसमें डुबो डुबो के खा लेंगे ये। हाँ बाद में डुबोएंगे, मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ये डाल दिया हमने। अब इसमें ये चॉकलेट निब्स हैं, ये बाद में डालेंगे, उनको अभी डाल दी तो सब मिक्स हो। अगर ब्राउनीज बनने के बाद वैसे ऊपर थोड़ा मेपल सिरप डाल दे तो बड़ा अच्छा, वो डाल सकते हैं, मस्त हो जाएगा। वही तो डिपेंड करता है ना कि आपको कितना मीठा चाहिए। ये अब क्या किया, ये थोड़ी सी मैं चॉकलेट निब्स जो है थोड़ा सा मैं इसको, ये बेकिंग डिश है इसमें डाल रहे हैं, ये थोड़ा डाल के मैं बीच में ये धनिया, नहीं धनिया नहीं है, चॉकलेट निब्स सब रोसो फ्राई रख, ये इसमें बीच में इसलिए मिक्स कर रहा हूँ, ऊपर भी डालूंगा ताकि ये नगेट्स बना दो मुझे। एयर बन जाए, ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, यहाँ से इसको हमने साफ कर दिया और एक और बन जाएगा। आधा आधा आप वीकेंड पे आ जाते हैं कुकिंग करने, अगर बुलवाएं 12 लोगों का खाना हो, 35,000 पर आवर, नो प्रॉब्लम, यू आर बुक्ड, यू आर बिजी। और आप मेन्यू पहले बताएंगे, ईद के फर्स्ट डे आ जाओ, डबल रेट, No, ये खाने आप खा ले ना, ईद के दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन आइएगा आप लोग, हम तो आ जाएंगे, अगर शेफ इजाज़ आ रहे हैं तो खाना बनाइए, आप सब मेरे घर पे आ जाइएगा और सब अपना अपना जो जो खाने बनाइएगा और मुझे भी खिलाइएगा और मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। बेहतरीन बेहतरीन, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा आपको इतनी? भाई देखो मुझे ना ईद पे बहुत ज्यादा जो होती है ना ये फजूल की दावतें और शो ऑफ और तैयार होकर जाए बड़ा बुरा लगता है मुझे, सब मिलकर मेरे घर आ जाए, हम सब मिलकर पकाएंगे और खाएंगे, उसमें ज्यादा मजा आएगा। डिश ले आए, एक डिश ले आए घर से पका के लाएंगे, कपड़े खराब करेंगे, प्लेटें ग्लास रख देना हम आ जाएंगे, वन डिश पार्टी। बस मैं अभी ओवन में रख रहा हूँ, ये चाय लाइक वन डिश पार्टी कल्चर, सब अपना अपना बनाए ताकि जो जरा होस्ट है वो बैठे तो सही आपके साथ। कुछ भी नहीं, और आप चार चार दो दो चलेगा मेरे लिए, आधा अपने लिए भी एक कर ले। ये फ्रोजन वाले होते हैं या ये फ्रोजन ही होते हैं? मजे की जो एक वो तुम कहते ना 12 बजे क्या खाती हो, वो मेरा दिल चाहता है कि नगेट्स हो और कोक हो, हाय हाय, और उसके साथ फिंगर चिप्स, ओए होए होए, मसाले वाले, ये है मेरी फ्राई करके ना, उसके बाद कहेगी जानी चुक मेरा वेट बढ़ नहीं है अब मुझे जिम जाना चाहिए, हालांकि ये हराम है कभी ये जिम गई। अच्छा मैं रेसिपी बता देता हूँ, अपने जो मैं ब्राउनीज बना रहा हूँ हेल्दी ब्राउनीज थी, उसके अंदर शुगर नहीं है तो हमने उसमें बनानास लिए, हमने एक अंडा डाला, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, कोको पाउडर डाला और उसमें ओट्स डाले, खजूरें डाली, तो ये सब चीज़ों को हमने मिक्स किया। उसके बाद ये जो चॉकलेट निब्स हैं ये हमने बाद में जब वो सब मिक्स हो गई ब्लेंडर में, हमने उसको बेकिंग डिश में डाला
और उसके ऊपर हमने ये बेकिंग जो चॉकलेट निब्स हैं ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए और ओवन में रख दिया। 15 मिनट के अंदर रेडी होंगी और आप खा सकते हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं। और थोड़ा सा हमने मेपल सिरप डाला था कि अगर कोई ज़रा ज़्यादा मीठा खाना चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल शुगर ना डालें क्योंकि उसमें ऑलरेडी खजूरें हैं, बनाना है तो मीठा इनफ होता है। मैं नहीं डालता वैसे अगर एक्स्ट्रा चीनी या कोई ऐसी चीज़, देखो कि कुछ ब्रांड्स के नगेट्स होते हैं ना फ्राई करने के बाद पिचक जाते हैं, ये बहुत ज्यादा, देखो वैसे ही है जैसी फॉर्म में, कैसे पिचकते कैसे लग रहे हैं तो इसमें इसके सॉफ्ट हो जाते हैं, ये शेप नहीं चेंज हुई है, इसका चेंज नहीं हुआ और कलर कितना अच्छा है और कुछ बहुत जल्दी जल जाते हैं कुछ अजीब, ये दिस इज सो नाइस परफेक्ट तैयार हो रहे हैं, टेम्पटिंग लग रहे हैं लेकिन इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, इनका भी हाथ नहीं चल रहा इतने गरम गरम को ठीक कर रहे हैं, ये हो गया चावल ले लिए, चावल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, आपके पास अगर रखे हुए चावल हैं तो भी चलेगा एक दिन के, ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर ले और मैंने वो चावल ले लिए 1 कप 1 बॉल बड़ा वाला, उसमें एक अदद मैंने आलू लिया उसको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया, उसके बाद मैश किया वो उसके अंदर ऐड कर लिया और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून मैंने चने का, इसमें बेसन का जो आटा होता है बेसन भी कहा जाता है उसको, वो इसके अंदर ऐड किया और इसमें मैंने वाइट ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और मैंने इसके अंदर चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक मैंने 1/2 टीस्पून, उसके साथ काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया और ग्रीन चिलीज जो हरी मिर्चियाँ होती हैं छोटी वाली तेज़ वो 2 अदद मैंने फाइन चॉप करके और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हरा धनिया वो मैं इसका इसके अंदर ऐड कर लिया, इसको अच्छे से मैंने हाथ से मैश किया, जब तक इसको आप हाथ से मैश नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मसाले एक साथ मिक्स नहीं होंगे, अच्छी से इसकी डो बना के फिर मैंने इसके जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं कटलेट्स मैंने इसको कबाब का शेप दे दिया गोल और इसमें मैंने बिल्कुल शैलो फ्राई किया, इसको डीप फ्राई नहीं किया, जब ये गोल्डन हो जाए दोनों साइड से फिर मैंने इसे निकाल दिया और मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ, उसके साथ हमारे पास जो भी सैलड आप खाना चाहते हैं उसको आप इंजॉय करें, अपने इफ्तार को बहुत ही शानदार बनाएं। हो गया जी, आज कुछ रेसिपी लंबी नहीं थी नादिया इसलिए खत्म ही नहीं हो रही थी रेसिपी, इतनी देर नादिया चुप रही आज इतनी देर, मेरे इसमें ज्यादा रोजा लगने लगता है, पहले मैं बोलती रहती ना रोजा नहीं लगता, रिकॉर्ड हो गया ना हमारी वजह से ना रोजा लगने लग गया, गौर से सुना कुछ समझ आया कुछ याद रहा कुछ नहीं, नहीं ना तुम कहीं ट्रांस में, रेसिपीज डोंट मेक सेंस टू मी, ओह माय गॉड आई खाना नहीं बनाती ना, इनको नहीं समझ जब तक भूनो नहीं समझ आया सारी जिंदगी तो कहां आगे कैसे बढ़ूं यार, मुझे तुम्हारी बहुत लगती है खाना ही नहीं बनाती नादिया, मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, मैं ना बहुत देर होगी बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वक्त हम एक ब्रेक ले लेते हैं, जब तैयार हो जाएंगी तो आपको तैयार हुई भी शक्ल दिखाएंगे उसकी सर्विंग में किस तरह लग रही है खूबसूरत और खाने में भी जबरदस्त, एक छोटा सा ब्रेक, लाइफ ग्रीन है, वापस आते हैं। Welcome back after the break. और इजाज़ ने बड़े मजे के सवाल जो हैं पूछने गेस्ट से, मैं सबसे पूछता हूँ, सबके जवाब जो हैं वो अलग अलग आते हैं, तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन था, आपकी लर्निंग होती है उससे। एक तो ये कि आपको अगर एक दिन के लिए पावर मिल जाए ऐसी कि जो आप जो चेंज करना चाहें कर सके तो क्या करेंगे आप, मुल्क में कोई ऐसी चेंज लाएं लोगों के अंदर, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, पूछ आपसे भी है ये, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि जो सिस्टम है ना ये खत्म करके बादशाही निजाम अनाउंस करके खुद बादशाह बन के बैठ, क्योंकि जब आप बादशाह बनते हैं ना तो आप हर चीज को ओन करते हैं, करेक्ट, आप जब सोचते हैं ना कि मैं 5 साल के लिए आया हूँ पता नहीं मेरा टेन्योर पूरा होगा, नहीं काम नहीं करने देते, यू डोंट ओन द थिंग्स, बस यार मैं बना लू जो बना सकता हूँ 5 साल, लेकिन जब आप बादशाह बन के बैठते हैं आपको पता है सारी चीजें मेरी हैं और आप को डेवलप करते हैं, यही कंक्लूजन मेरी है, मलेशिया देखें यूएई देखें हर जगह वन मैन वन रूल, कह रहा हूँ ना मैं तो किंगडम बादशाह के साथ मलका बैठी, आप मलका बनेंगी, आप क्या करेंगे, नहीं मैं ये तो कैसर की एक सोच थी, जरा अब जब ये बादशाह बनेंगे तो मैं मलका बन जाऊंगी, वो तो एक अलग बात है, मलका तो फिर सिर्फ ऐश करेगी यू नो, तो वो डिफरेंट खैर एक चीज है, लेकिन जो भी आप एक और बात पूछ रहे थे मुझसे कि कोई आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया जिसने चेंज कर दिया, हां लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे ये लगता है
मेरी ज़िंदगी में ना हर साल एक नया वाकया होता है और मैं हर साल उससे कुछ नया सीखती हूँ। मतलब बहुत मुझे ज़िंदगी में ना सीखने को मिला है और हर दफ़ा कुछ नई चीज़ें होती हैं। ये उसके पीछे ये होते हैं वाकयात के पीछे है? वाकयात के पीछे मोस्टली नहीं, कुछ सारी कुछ वाकयात के पीछे तो ये भी है। सीरियल चल रही है भाई, कैसा रिएक्शन आता है? ये बताएं, या खानदान में एक बच्चा ऐसा होता है, गलती चाहे कोई और करे, इसकी वजह से की होगी? हाँ नहीं नहीं, कैसे कैसे से पहले भी और कैसे के बाद भी और कैसे सब मेरी तरफ पॉइंट आउट करते, मेरी वजह से। मैंने क्या कर लिया यार, पानी नहीं आ रहा, तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं? ये होता है, गीजर ऑफ है, क्यों नहीं चलाया? दोस्तों में भी होता है, घर में भी होता है। आज खाना नहीं है भाई, तुम बता नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी इनको दे दी, माशाल्लाह, इट्स बीन 30 इयर्स इस साल, तो अब इसके बाद तो मेरा हक बनता है ना कि भाई गीजर नहीं चल रहा तो पानी गर्म नहीं आ रहा, जाओ गीजर चलाओ। मैंने कपड़ा किया यार, निकली बात भाई, तो मजाक कर रहा। इन्होंने जिंदगी दे दी तो मैंने अपनी जिंदगी किसको? इन्होंने भी तो किसी और को नहीं दी, मतलब मैंने भी, इन्होंने भी, इन्होंने मुझे भी दी, बीच में किसी को भी देते रहे, फिर वापस आ गए, फिर दे दी, फिर वापस आए। अच्छा ये चल रहा है, ये अम्मा भी पट्टी लड़वाने वाली बात नहीं, हम लड़ाई नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ आपको थोड़ी देर खुश करते हैं, उसके बाद हम दोनों जैसे ही यहाँ रहेंगे एक हो जाएंगे वापस। ये है असल सक्सेस, ये है राज कर रही है, देखो ये है राज, ये है सीक्रेट, आप निकला है रखो या बराबर है ना, ये जो है ना, और मैं लोगों के अंदर यूनिवर्स कर, प्लीज मेरे जो को होस्ट हैं की मासूम शक्ल पे ना जाए, सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल ये पूछते हैं बड़ी मासूमियत से। नहीं लेकिन देखे ना, सक्सेस का फॉर्मूला निकला है, टॉपिक क्या था? फड्डेबाजी है, फड्डे हमारा टॉपिक था, बदनाम है। नहीं फड्डा, मुझे तो लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, दो अलग अलग लोग हैं, अभी हर वक्त क्या मैं जी हुजूर या ये जी मलकालिया तो नहीं कहेंगे। फड्डा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है हर जगह, हम चारों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, आएगा टॉलरेंस, जो टॉलरेट नहीं करेगा ना वो फटा करेगा। तो ये बर्दाश्त आप करते हैं या ये दोनों करते हैं? क्या बनाता कौन है? मुझे लगता है शायद इनकी वो वाली रिलेशनशिप है कि जब ये फड्डा करते हैं तो और मोहब्बत हो जाती है दूसरे से, कोई ना जाए। मुझे ये देखो आया एक जैसी शक्ल बना रहे बैठ के, डांट पड़ेगी लग रहा है कि आपको ना लड़ाई की वजह ज्यादा प्यार हो जाता है। नहीं देखिए, प्यार है तभी लड़ाई नहीं होती है, मतलब ये होता है कि मैं एक चीज को पसंद, अब जैसे अगर मुझे कुछ चीज पसंद है और इनको नहीं पसंद है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगी ना कि मुझे पसंद है तो आप भी पसंद करें, तो एक दूसरे को थोड़ी जगह कॉम्प्रोमाइज होता है, इंसान है, मतलब एक इंसान होने का भी दूसरे को वो देना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज है भाई। नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टॉलरेंस है। जिस दिन कॉम्प्रोमाइज होगा उस दिन तो मैं कहूंगी जाओ। और जिस दिन मैं गाड़ी में इनके साथ बैठता हूँ ना, ये गाड़ी चला रही होती है, तुम सोचो मैं कितना टॉलरेट करता हूँ, तो आप आंखें बंद करके मैं सीट पीछे कर लेता हूँ, अब मैं आंखें बंद बैठ जाता हूँ भाई। इतना स्लो चलाते, लोगों को जगह दे देते, फिर परेशान होते, तो मैं कहती हूँ यार एक काम है, मेरा भी ऐसे ही, यू गिव वे यू गेट वे। एग्जैक्टली, देखिए जी कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े टीचर्स के जब गाड़ी चलाओ तो तीन गाड़ियों का फासला आपकी और अगली गाड़ी के बीच होना चाहिए, सब होता है पाकिस्तान में, यू डोंट गिव वे यू विल गेट द वे। ये मुझे नादिया खान लग रही है, ये मुझे फैसल राव लग रही है, बिल्कुल हमारे घर में भी यही चल रहा है। लेकिन कुछ औरतों की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो रोड पे गाड़ी चला रही होती है ना, मोइन भाई वाले बात थी कि ये वो कुछ नहीं देखती ना लेफ्ट ना राइट, बस ये जाए जा रही है ना, उनके तो मियां उनसे तंग होते हैं, उन्हें गाड़ी देखो। और मुझे अगर आ गई तो आ गई, आ गई तो आप ठीक है, नहीं आई तो बचत हो जाएगी। कैसे भाई, मुझे अगर पावर मिले ना एक दिन की, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो राइट हैंड ड्राइव है ना हमारे यहाँ, उसको लेफ्ट हैंड ड्राइव कर दूंगा, क्योंकि जो सबसे स्लो जिसने चलानी है वो राइट पे चल रहा है। जब मैं बादशाह बन के बैठ जाऊंगा ना, तुम ये कर लेंगे, डील कर, मुझे आइडियाज दे देना, ट्रैफिक के मुशीर। हाँ क्या बात है, जिसने तेज जाना है वो लेफ्ट से जा रहा है, उल्टा हिसाब है, राइट जो है, जो ड्राइवर है, जो वो आहिस्ता जिसने चलानी है वो राइट पे ही जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, मोटरसाइकिल पे रियर व्यू मिरर होना चाहिए, देखो भाई इसमें की गाड़ी पीछे है, आप ये पलट के देख रहे होंगे पीछे, और पुलिस वाले खड़े हुए हेलमेट चेक कर रहे होते हैं, अल्लाह के बंदो हेलमेट यूं रखी हुई है, नहीं और अभी तो हेडफोन भी लगा लिए, समझ लगा दिए, टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं बीच में, अब मालूम ड्राइवर्स गाड़ियों के टेक्स्ट कर रहे हैं, जो जो गाड़ी हिल रही है ना समझे ड्राइवर का ध्यान, ये तो हमारी जिंदगियों का ज्यादा हो जो मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैंने बादशाह यहां पर बस कैसे मैं तुमने आइडिया दे दिया, वो कहेगा मुझे बस बादशाह बनाओ घर में ना, बादशाह बन के बैठ जाओ, ट्रैफिक का वजीर मैं हूंगा, वैसे बादशाह बन के बैठे रहते हैं घर में। अच्छा और मलका का फर्ज होता है कि और मलकाएं ढूंढे। अच्छा ये कौन सी बादशाह के लिए रिश्ते ढूंढती हैं? बहुत अच्छी खातून आप, बहुत पसंद है कैसर को, दुनिया में यही हो रहा है, लेकिन टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने कैसे खुद ही ढूंढ ले, या इनको ढूंढती भी आ जाए जिन्होंने आना है, आई एम नॉट इनसिक्योर। मैं मलका की बात कर रही हूँ फजीला, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी बिजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, बड़ा मजा आया, वाकई पता नहीं चला वक्त ऐसे उड़ा है फर्र करके। मैं था इस शो में क्या? आप आए हुए थे, आप ही सवाल कुछ लगे आपके जैसे, यार तुम ये जब आप जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आप आए हुए। जाने के बाद हम याद आते हैं जेनी। थैंक यू वेरी मच कैसर भाई,
थैंक यू लीला भाभी, बहुत शुक्रिया आपने याद रखा, दोनों आए और बड़ा मजा आया। आप लोगों की बातों से जो है ना सीखने को मिला, और लोगों को हम बेसिकली होता है आपसे इस तरह थोड़े से सवाल किए ताकि मुझसे कुछ सीख, कुछ ऐसी। हाँ हाँ, अरे बहुत लोगों ने सीखा, आपको नहीं पता। अच्छा ये फजीला, जाते जाते बता दो, कपड़े दे दिए टेलर को, क्योंकि फिर सिल के आएंगे नहीं लेट। यार मैं आपको बताऊं, मैं ना ईद पे नए कपड़े बनाती नहीं। बनाती नहीं, ये नया ट्रेंड है। अच्छा, मैं पूरा साल भी बने हुए होते ना, उन्हीं में से भी कोई पहन लेती हूँ, और मैं रोजा भी एक्चुअली पूरा साल रखती हूँ, तो फिर मैं कैसे सिर्फ ईद पे कपड़े बनाऊँ? रोजा सारे साल कैसे? हाँ, मैं सारे साल ऐसे रोजा रखती हूँ कि खाने पीने, यहाँ तो हमारा खाने पीने भी जरूरत है, लेकिन जो एक्चुअली रोजे की स्पिरिट है वो यही है कि पूरा साल आप कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना दें, किसी की हेल्प करें। हम सिर्फ रमजान में ये सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो जो एक्चुअल रोजे की प्रैक्टिस है वो मैं पूरा साल करने की कोशिश। अफ्तारी कब होती है कि जब आप फिर भाई को सुनाती हैं? हैं? सारा साल रोजा रखती हो ना, तो अफ्तारी कब होती है रमजान के अलावा, जब भाई के साथ लड़ना हो, उनको डांटना हो? रमजान शरीफ में अल्लाह ताला हमें 30 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं, बेशक, कि बाकी 11 महीने तुम लोगों ने कैसे बिहेव करना। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ इन 30 दिनों को समझते हैं कि हम सिर्फ 3 दिन, यही 30 दिन हमारे लिए, लेकिन ये 30 दिन हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, लर्निंग है। पूरा साल आपने कैसे गुजारा, डिटॉक्स नहीं बोलना, बर्दाश्त करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को हेल्प करना, पैसे नहीं खाने, हम सिर्फ इस वक्त करते हैं, वो गलत है। हमें चाहिए पूरा साल ये प्रैक्टिस करें, तो ये ज्यादा बेहतर बात है। एसेंस तो यही है ना। क्या बात है, बस अब इफ्तार का वक्त बहुत करीब है, हुए जाता है, चाहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल, तो इजाजत लेते हैं सबसे, क्योंकि आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ इफ्तार करेंगे, फिर हम आपको जा रहे हैं। उन्होंने तो प्लेटें भी नहीं लगाई है, अभी है टाइम, अभी थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से आप सेटिंग कर लें, बस इफ्तारी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। लाइव ग्रीन है, कल मिलेंगे।